यूबीएल के जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो तकरीबन हमारे एक्सपेक्टेशंस के इन लाइन ही थे, विच वाज 6.14 रुपीज़ पर शेयर, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 1% कम आया है, बट अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखें सो दैट वाज 4%। फर्दर मोर, डिस्पाइट ऑफ 15% ग्रोथ इन देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड 1.7 बिलियन ऑफ प्रोविजनिंग एक्सपेंसेज, विच इज़ वन ऑफ द हाइस्ट प्रोविजनिंग एक्सपेंसेज अगर आप क्वार्टर पे अगर आप देखें यूबीएल के, डिस्पाइट ऑफ दैट जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है दैट वॉज 3% ईयर ऑन ईयर अप। तो द रीज़न की बॉटम लाइन में डिक्लाइन आया है दैट वॉज बिकॉज कि इनका इफेक्टिव टैक्स रेट विच वॉज अ लिटिल हायर, 36% आया था। सो कोर अर्निंग्स पे रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा था यूपीएल का, वेरी प्रॉमिसिंग। इनका एसेट बेस जो है वो डबल डिजिट में ग्रो किया है इन द फर्स्ट क्वार्टर, द डिपॉजिट्स हैव इंक्रीज्ड, इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी है विच शोज़ दैट मार्केट शेयर इनका इंक्रीज हुआ है। एडवांसेस में इनका कहना है कि दे एक्सपेक्टिंग टू टच डबल डिजिट ग्रोथ, जो कि बाकी के जो टॉप बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन एंड देर ऑल्सो शोइंग इट, वो अपने रिजल्ट्स में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट दैट इज़ अराउंड 18-20%, इनका जो एसेट बेस है इनके एडवांसेस है वो 18-20% यूएई से आते हैं, और जैसे हमको मालूम है कि इन द लास्ट वन एंड हाफ ईयर ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और एसएमई जो लोअर टीयर एसएमईज़ है इन द मिडल ईस्ट उनने काफ़ी ट्रबल फेस किया है इन पेइंग ऑफ देयर लोन्स, सो इसका एक थोड़ा सा ब्रंट यूबीएल को भी आया है। सो ऑन अ प्रूडेंट बेसिस थोड़ा सा और एहतियात करते हुए इन्होंने अपनी जनरल प्रोविजनिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में, सो दैट आगे जाके कोई भी अनफोर्सीन रिस्क हो उसको अभी से वो कवर करें। तो उसके बेसिस पे 1.7 बिलियन का इन्होंने प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस को बुक किया है। यूबीएल बैंक की हम अर्निंग्स जो है वो ग्रोथ देख रहे हैं 2016, 3-4% की ग्रोथ आनी चाहिए ईयर ऑन ईयर, जबकि इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स डिक्लाइन आ सकता है ईयर ऑन ईयर, जब हम 2016 की बात कर सकते हैं। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में हमें जैसे मालूम है कि PIVs मैच्योर हो रहे हैं 2016 के मिड में, विच इज़ अ बिग चंक 1.5-1.6 ट्रिलियन रुपीज़ का है। इसकी वजह से होगा ये कि 11.25% के कूपन पे अभी जो बैंक्स अर्न कर रहे थे PIV इनकम, दैट कैन शिफ्ट डाउन टू आइदर 8.75% और 7.5%, जो भी उस वक्त सिनेरियो हमें नज़र आता है। UBL को ये एडवांटेज है कि UBL की जो PIV मैच्योरिटी है, जो ड्यूरेशन है, दैट इज़ लॉन्गर देन दी अदर बैंक्स, तो वो जो ब्रंट है वो UBL को कम आएगा रादर देन दी अदर बैंक्स। डिविडेंड हम देख रहे हैं अराउंड 13 रुपीज़ पर शेयर, विच इज़ अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 8%, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है लुकिंग एट द स्टॉक मार्केट राइट नाउ एंड दी अदर वन ईयर पेपर्स जो हमें डेट मार्केट में नज़र आते हैं। हमारी टारगेट प्राइस फॉर UBL इज़ 217, डिसम्बर एंड की ये टारगेट प्राइस है एंड इट हैज़ बिन डिराइव फ्राम जस्टिफाइड प्राइस टू बुक वैल्यूएशन मेथड। वी बिलीव के जो UBL अभी जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, आगे जाते हुए UBL का जो ROE है हम 22% तक एक्सपेक्ट करें जबकि सेक्टर का हम 20% तक एक्सपेक्ट करें। सो रिलेटिव टू दिस UBL जो है वो सेक्टर के डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है, सेक्टर का प्राइस टू बुक अभी 1.2 टाइम्स है और UBL 1.1 पे ट्रेड कर रहा है। सो री रेटिंग वी थिंक कि UBL में काफ़ी स्ट्रांगली ड्यू है अभी एंड अनजस्टिफाइबली अभी एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दो तीन चीज़ें थी, एक तो ये कि UBL ने अपना जो एडवांसेस का ग्रोथ टारगेट बताया है दैट इज़ 8-10% फॉर 2016, ये जो उन्होंने टारगेट रेट दिया है दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट जो हमारी बाकी बैंक्स के मैनेजमेंट से बात हुई है। द रेस्ट आर ऑफ अ व्यू के 6-7% की लोन ग्रोथ होगी इस साल, जबकि UBL इज़ मोर अग्रेसिव देन दैट विच इज़ गुड फॉर UBL इटसेल्फ। आगे जाते हुए इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द करंट ईयर देर आर क्वाइट प्रोजेक्ट फैसिलिटीज जो इन्होंने साइन की है एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने कहा है कि ये एक्सपेक्ट करें कि स्टेटस को रहेगा इन द इंटरेस्ट रेट्स, जिसकी वजह से इन्होंने इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स फिक्स डिपॉजिट्स अपने थोड़े से बढ़ाएं, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज डिपॉजिट मोबलाइजेशन से दे कैन इंक्रीज देयर एसेट डिप्लॉयमेंट गोइंग फॉरवर्ड। सो जहाँ इनका करंट कासा ऑन लोकल डिपॉजिट्स 82%, विच इज़ हायर देन इंडस्ट्री एनी वेज,
इंडस्ट्री का अभी 78% है। वहाँ पे अगर ये थोड़े से अपने फिक्स डिपॉजिट्स अगर बढ़ाते भी हैं टू मैनेज देयर बैलेंस शीट एंड इंक्रीज एसेट डिप्लॉयमेंट, दैट इज़ अ रियली गुड स्टेप दैट द बैंक इज़ टेकिंग राइट नाउ। फी इनकम ग्रोथ पे इन्होंने बताया थोड़ा कि ये कंज्यूमर लोन ग्रोथ पे आप थोड़ा सा देखते हैं कि मे बी दे कैन ग्रो राइट नाउ। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इन फी इनकम ग्रोथ इज़ ओमनी, जो कि इनका काफ़ी मशहूर ब्रांड है ऑफ ब्रांचलेस बैंकिंग, और दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 15% टू देयर फी इनकम। बट इसके अलावा फी इनकम पे अभी आई थिंक इनको और थोड़ी मेहनत करनी होगी। देर आर मोर एवेन्यूज दैट अदर बैंक्स हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर एंड UBL हैज़ नॉट। तो ये एक चीज़ थी जो इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताई थी दैट दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जो इसके प्राइस में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने प्राइसिंग किया हुआ था, विच वॉज रिस्क ऑफ प्रोविजनिंग्स कमिंग फ्राम द मिडल ईस्ट ऑपरेशंस, आई थिंक वो अब ऑलरेडी बुक्स में भी हमें नज़र आ चुका है। NPL accretion बिल्कुल भी नहीं हो रही, इनफैक्ट एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, कवरेज इज़ इम्प्रूविंग, 90% इनकी कवरेज रेशो, दे हैव ब्रॉट इट अप टू 90%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अगर आप टॉप 5 बैंक्स का देखें तो वो भी तकरीबन इतना ही है। सो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स फोर्सी कर रहे हैं प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस, दैट मे नॉट कम एंड इट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन टू द स्टॉक।